पतित पावनी माँ गंगे के इस तट पर मैं खेजरोली कावड़ का हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगे इनकी यात्रा मंगलमय करे और सारा दुखों का नष्ट करे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हेलो गंगे केवलम, यहाँ का जो फल है, यहाँ पे राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक तपस्या की थी, तब जाके गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे आई है। यही का महात्म है जल भरने का, भागीरथ जी के मंदिर के आगे से ही जल भरा जाता है, जो हर ज्योतिर्लिंगों को चढ़ाया जाता है। इसी स्थान पर राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक तपस्या की थी। कलो गंगे केवलम, हेलो गंगे केवलम, कलयुग में माँ गंगा ही है जो साक्षात जल रूप में बह रही है और देवी देवता जो है मूर्ति में विलीन है। कलो गंगे केवलम, जिस व्यक्ति ने माँ गंगे की पूजा अर्चना कर दी उसका कल्याण है, रोग दोष पितर दोष सब खत्म हो जाते हैं गंगा की पूजा अर्चना करने से। माँ गंगे आपकी यात्रा मंगलमय करे, इस कामना के साथ महाराज गंगे जय। महाराज जी, जो ये गंगा मैया का मंदिर बना है ये किन्होंने बनाया था, ये जो आप हमारे को बताएं। जो गंगा जी का मेन मंदिर है, जयपुर के राजा माधव सिंह जी ने बनवा रखा है, जिसके हम राजगुरु हैं। पूरे जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा और टोंक 5 जिले के हम तीर्थ पुरोहित हैं। घर में माँ बाप और तीर्थ में अगर पुरोहित का आशीर्वाद नहीं लिया जाता है तो यात्रा अधूरा माना जाता है। यात्रा तभी पूरा माना जाता है जब बही खाते में नाम दर्ज हो रहा है, और उन बही खाते में नाम दर्ज करने से उनको जो हमारा जो बही खाता है उसको हम बार बार पूजा करते हैं, बार बार उसका नाम गोत्रोच्चारण होता है, धाम में वो आए ना आए। हर दीपावली के दिन बही खाता खोला जाता है, सबको सबका नाम गोत्र पढ़ा जाता है, उनकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है। बोल गंगा मैया की जय, हरे सनातन धर्म की जय, अटल माता की जय, जयकारो वीर भगवंत हरे। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरे शरणागत आता, ओ मैया शरणागत आता, यम के त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, भारत माता तुम्हारी सौजन्य नित गाता, ओ मैया सौजन्य नित गाता, सो है सहज में मोके को पाता। ओम जय गंगे माता, मन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ मैया सब कुछ है तेरा, तेरा ताला दे मेरा। ओम जय गंगे माता, ओम बुलाओ हमारा घर पूरा गोराम। पूरे दिख बदल कौन है, बोले बोले थोड़ा इधर होता, हेलो बोले इधर होना थोड़ा सा, जो शंकर भगवान के लिंगों पे ऐसा हुआ। जब परशुराम जी ने गणेश जी को फरसे से मार लगा दिया था चोट, जो शंकर भगवान के पास नहीं जाने दिया, तो उस समय वो शंकर भगवान के पास उन्होंने लिंग को पकड़ा था। उसके बाद ये शंकर ये कैलाश है, तो यहाँ पे शंकर भगवान जी तपस्या के लिए, वह फिर कैलाश में शंकर भगवान और पार्वती माता जी शिव तांडव स्तुत में होता है उस समय कह रहे। ये राजा भगीरथ है जो यहाँ पे भगीरथ लाने के लिए, गंगा को लाने के लिए तपस्या की है। वो फिर गंगा अवतरण का आपको दिख रहा है, ये जो गंगा, ये जब गंगा स्वर्ग लोक से उतरी है तो ये उस समय का अवतरण का वो दिखा रहे हैं। तो ये भगीरथ फिर आगे जो दिख रहा है आपको, ये गंगा जी जब स्वर्ग लोक से आई मृत्यु लोक में, तो उस समय जब गंगा आगे आगे भगीरथ जी चले, पीछे पीछे गंगा जी चली, फिर ये गंगा जन्नव ऋषि ने क्या किया, आश्रम कर दिया थे गंगा जी को। जब जन्नव ऋषि आश्रम यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भगवान जन्नव ऋषि ने गंगा जी के 3 बार आश्रम करने से पूरी गंगा को पी लिया था। तो फिर राजा भगीरथ उनकी तपस्या कर रहे हैं, तो गंगा आगे चल रही। ये शंकर भगवान के ये तांडव में जो हुआ था उसमें उन्होंने अपना वो दिखा रखा। ये शंकर भगवान और पार्वती और गणेश जी, कार्तिक जी यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान हैं, और ये पूरा उनका एक
परिवार है जो यहाँ कैलाश में रहता है वो दिखाया गया है। बाकी आप यात्रियों के अपनी श्रद्धा होती गंगा का अवतरण यह चित्र बनाया जाता है। ये जो जगह है यही भागीरथ तपस्या जी, यहीं पे राजा भागीरथ ने 5500 वर्ष की तपस्या ब्रह्मा जी की, फिर 11000 वर्ष शंकर भगवान की तपस्या की, तब गंगा स्वर्ग से इस स्थान पे उतरी है। जय गंगे महाराज।